हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्योपैथी केयर। मैं डॉक्टर ज्योति आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि होम्योपैथी में ऐसे कौन से मदर टिंचर हैं जो हम नेबुलाइज में यूज़ कर सकते हैं। तो किसी अगर पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम है या ब्रीथलेसनेस हो रही है, कफिंग हो रही है या बहुत ज़्यादा कफिंग होने के साथ कफ निकल रहा है, उस टाइम पर ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम हो रही है ना, सांस फूलने लगी है, तो उस टाइम पे हम कुछ ऐसे नेबुलाइजर में के तौर पे हम होम्योपैथिक मदर टिंचर को यूज़ कर सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मदर टिंचर है ब्लाटा। ब्लाटा मदर टिंचर हमेशा अस्थमा में यूज़ किया जाता है और ये अस्थमेटिक कंडीशन को भी प्रिवेंट करता है। वहाँ पे इन्फ्लामेशन या कफिंग की कंडीशंस हो रही हो, बहुत ज़्यादा क्रोनिक कफ हो, न्यूमोनिया हो, उन कंडीशंस में हम ब्लाटा मदर टिंचर को देते हैं। लेकिन ब्लाटा का अगर इनहेलेशन, मतलब कि आप नेबुलाइजेशन मशीन में जैसे एस्थिलीन और बूडेट को यूज़ करते हो, उसी तरह से आप 2 से 3 ml में मदर टिंचर अपना ब्लाटा ले लीजिए और उसके बाद उसके साथ में आप चाहो तो डाइल्यूट डिस्टिल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं उसके साथ में। 2 से 3 ml का कॉम्बिनेशन में आप करके 2 से 3 मिनट तक अगर नेब लेते हैं तो आपको अस्थमा की कंप्लेन धीरे धीरे रिलीफ होने लगेगी और आपको स्टेरॉइड पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो ये जो स्टेरॉइड कंटेंट हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमें बचने के लिए हम इस तरह भी होम्योपैथी के मदर टिंचर को यूज़ कर सकते हैं। और ये कोई स्टेरॉइड नहीं है, इससे कोई बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होगा आपको। एंड दूसरा इम्पॉर्टेंट हम देखें तो सैम्बुकस निग्रा मदर टिंचर होता है। कितना भी सीवियर प्रॉब्लम हो, कॉम्प्लिकेशन हो, कफिंग हो, ड्राई कफ हो, उस कंडीशन में हम सैम्बुकस निग्रा का भी अगर हम नेब लेते हैं तो वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा अस्थमा की कंडीशंस में। तो अगर आप सिम्टोमेटिक बेस पे देख सकते हैं कि पेशेंट किसका है, सैम्बुकस का अगर लग रहा है तो आप उस टाइम पे सैम्बुकस का भी नेब दे सकते हैं। और हम तीसरा इम्पॉर्टेंट देखा जा रहा है तो कुरकुम्बा लौंगा, ये हल्दी से बना हुआ होता है मदर टिंचर। ये मदर टिंचर भी अस्थमा की कंडीशंस में बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो इनको यूज़ करने में हम 2 से 3 ml यूज़ करते हैं, विद डिस्टिल वाटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। 3 ml या 4 ml आप मदर टिंचर लेते हैं, 2 से 3 ml ऐड करते हैं डिस्टिल वाटर, उसके साथ 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक आप पास पेशेंट को नेब देते हैं, तो उससे उसको ब्रीदिंग में बहुत ही रिलीफ मिलता है। सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।